Respected listeners and dear students, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Let's learn, let's start to solve the work page and answer questions of chapter number 10. Chapter number 10 hai calendars. So questions answer hai. First question hai, what is the culture of a country made up of? Ki kaun si cheeze hain jisse kisi bhi mulk ka culture ya sakafat banti hai. Its traditions, customs, religions, languages, food and art. उस मुल्क के यानी उसके रिवायात, रस्म व रिवाज, उसके मज़ाहिब, कौन से मज़ाहिब हैं वहाँ पे, लैंग्वेजेस, ज़ुबानें कौन सी बोली जाती हैं, किस किस्म का खाना खाया जाता है और यानी फ़नून किस किस्म के वहाँ पे मौजूद हैं. ये सारी चीज़ें मिलके किसी भी मुल्क के कल्चर को बनाती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई आर कैलेंडर्स इम्पोर्टेंट? कैलेंडर्स क्यों अहम हैं? वी यूज़ कैलेंडर्स टू कीप ट्रैक ऑफ व्हेन थिंग्स विल हैपन. हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि हम देख सकें कि कब कौन सा वाक्या या कौन सी चीज़ होने वाली है. विच इवेंट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, यानी जो इस्लामिक कैलेंडर है वो कब से मार्क करना शुरू किया, यानी कब से यूज़ करना शुरू किया, उसकी तारीखें कब से बनी, यानी कब से उसका यूज शुरू किया. द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन इन 622 CE, यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 मसीह ईस्वी में हिजरत की, तब से इस हमारा जो कैलेंडर है इस्लामिक कैलेंडर तब से स्टार्ट हुआ. व्हाट डू द लेटर BCE and CE स्टैंड्स फॉर, यानी ये जो लेटर हैं BCE और CE इनका क्या मतलब है. BCE stands for before common era and CE stands for common era, यानी common era कहा जाता है उस era को जहाँ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे. तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के से पहले के ज़माने को BCE यानी before common era कहा जाता है और उनके बाद वाले era को CE कहा जाता है, common era यानी उनकी पैदाइश के बाद वाले अरसे को. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी वीक्स आर इन अ मंथ, एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं. देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं. नेक्स्ट है जी, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द लूनर एंड सोलर कैलेंडर. लूनर कैलेंडर होता है कमरी, यानी जिसका ताल्लुक चांद से है, और सोलर कैलेंडर शमसी, जिसका ताल्लुक सूरज से है. लूनर कैलेंडर फॉलोज द फेज ऑफ मून एंड सोलर कैलेंडर फॉलोज द अर्थ रोटेशन अराउंड सन. यानी लूनर कैलेंडर में जो चांद का फेज है यानी चांद पहले निकलता है, पहले दिन के चांद को हलाल कहते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, 14वें दिन के चांद को बदर कहते हैं, थोड़ा बड़ा होता है 14वें का चांद, उसके बाद दोबारा वो घटना शुरू हो जाता है. ये होता है चांद का फेज, यानी चांद का बढ़ना और कम होना. और जो सोलर कैलेंडर है वो फॉलो करता है ज़मीन के गिर्द सूरज के गिर्द ज़मीन की जो चक्कर होते हैं, रोटेशन है इसको. नेक्स्ट वर्क पेज है, वर्क पेज पे क्वेश्चन है, वर्क विद फ्रेंड एंड फाइंड सम नेम्स ऑफ मंथ ऑफ ग्रेगोरियन एंड इस्लामिक कैलेंडर इन ग्रिड ब्लो. ये यहाँ पे मंथ हैं इस्लामी भी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के भी, इनको फाइंड आउट करना है आपने. यहाँ से ये फाइंड आउट हुए हैं यहाँ पे, और ये जो 2 मंथ रह गए हैं रबीउस सानी जिन पे टिक है वो ऑलरेडी फाइंड आउट हुए हैं, फाइंड आउट हुए हैं. और 2 मंथ जिन पे नहीं है, रबीउस सानी और जमादिउस सानी, इनको आप लोग खुद फाइंड करेंगे. ये आपका टास्क है, इसको आपने फाइंड आउट करना है यहीं इसी ग्रिड से. 24 मंथ में से सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ फाइंड आउट नहीं हुए हैं, ये आपका टास्क है, इसको आपने फाइंड आउट करना है खुद से. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डेट टुडे. ठीक है, आज क्या तारीख है. तो आपने यहाँ पे जो भी तारीख होगी वो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि जब ये नोट्स बने थे तब डेट थी 1 December 2020, तो इस तरह से लिख दी गई. ट्राई टू फाइंड द फॉलोइंग, इन ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है. द डे ऑफ द वीक ऑन विच यू वर बॉर्न, जिस दिन आप पैदा हुए थे हफ्ते के जिस दिन में, वो यहाँ पे आप लिखेंगे. द लास्ट लीप ईयर, यानी ये जो अभी साल है इससे पहले कौन सा जो साल है इसमें लीप ईयर गुजरा, तो वो 2020 था जिसमें जो लीप ईयर ही है. नेक्स्ट है जी, द नेम
ऑफ द करंट इस्लामिक मंथ, जी जो इस्लामिक मंथ जा रहा है अभी वो कौन सा है, रबीउल सानी। द नंबर ऑफ डेज इन द प्रीवियस इस्लामिक मंथ, जो पहला पिछला इस्लामी महीना गुजरा उसमें कितने डेज थे, तो उसमें 30 डेज थे। नेक्स्ट है, अ मैन वॉज बॉर्न इन 1948 बट ओनली सेलिब्रेटेड हिज 16th बर्थडे क्वाइट रिसेंटली, हाउ कैन दिस बी, यानी एक इंसान पैदा हुआ है 1948 में और उसने भी सिर्फ अपनी 16वीं बर्थडे, जो 16वीं दफ़ा बर्थडे की है, सालगिरह मनाई है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन लीप ईयर एंड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन एवरी 4th ईयर ऑन, यानी वो लीप ईयर में पैदा हुआ था और हर 4 साल में वो अपनी बर्थडे को, यानी चौथे साल वो अपनी बर्थडे बनाता है, इस वजह से उसने अभी तक 16वीं अपनी सालगिरह 16 दफ़ा वो अपनी सिर्फ बर्थडे कर सका है। इसको यहाँ स्टॉप करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।